welcome everyone to the black hole Then thank you very much uh, and thank you very much uh, to the uh, team of this black hole for giving me this opportunity to talk about uh, braids and knots. Uh, we all know uh, what are braids uh, and knots. Uh, we can also see uh, in, in, in this beautiful lot here um, and uh, ब्रेड जो हैं वो हम डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जैसे कि हेयर ड्रेसिंग में और इसी तरीके से जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको अगर हम देखें तो वो भी ब्रेडेड होता है और उसमें भी नोट्स हैं लेकिन चूँकि ये यहाँ मैंने आज इनको मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है तो आ, उससे उस, उसके लिए फिर हम नंबर से शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ब्रेड से हम कैसे नंबर क्या ब्रेड्स को नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं या नहीं तो आ, अगर हम नंबर से स्टार्ट करें तो आ, जो नंबर हम यूज़ करते हैं आ, आ, आम तौर पर वो आ, ये नंबर्स हैं जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं या फिर इनको इंटीजर्स कहते हैं तो ये आपके पास इन्फिनिटी तक चलते हैं और इसी तरीके से आ, हर हर नंबर का इनवर्स भी आ, है जैसे वन का जो इनवर्स है वो माइनस वन है इसी तरीके से जो टू का इनवर्स है आ, ये माइनस टू है और आ, इसी तरीके से जो थ्री का इनवर्स होगा आ, वो माइनस थ्री है और इसी तरीके से ये हम इस साइड पे भी आ, इन्फिनिटी तक जाते हैं इसे हम माइनस इन्फिनिटी कहते हैं तो ये बेसिकली आ, नंबर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और आ, मैथमेटिक्स के अंदर इनको हम आ, इनका एक सेट बना सकते हैं और आ, मैथमेटिक्स में इस सेट को आ, आम तौर हम जी से लिखते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर नंबर्स को आ, जालन आ, प्रनाउंस uh, किया जाता है या लिखा जाता है तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है जी है उससे यूजुअली हम इसको इंडिकेट uh, uh, करते हैं सो so, ये नंबर्स क्वाइट फैमिलियर हैं हम सब के लिए तो ये जो सेट है बेसिकली ये इट्स uh, सेल्फ एक स्ट्रक्चर uh, बनाता है जिसे बेसिकली ग्रुप स्ट्रक्चर कहते हैं uh, वो क्यों क्योंकि अगर हम इस आ, आ, सेट के अंदर कोई से भी दो नंबर ले लें और अगर हम उनको ऐड करें तो जो रिज़ल्ट होगा वो इसी सेट के अंदर ही आएगा ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टू और थ्री को ऐड करें जो, तो आंसर जो है वो फाइव होगा जो इट्स वापस इधर ही आ, होगा और आ, इस प्रॉपर्टी को आ, मैथमेटिक्स में हम ये कहते हैं कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन और इसी तरीके से आ, ये जो एलिमेंट है ज़ीरो एलिमेंट इसे हम कहते हैं और ये एक न्यूट्रल एलिमेंट है इस सेट का आ, इस एलिमेंट को अगर हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी नंबर के साथ एड करें तो वही नंबर दोबारा वापस आ जाएगा तो ये एक न्यूट्रल एलिमेंट इस सेट का होता है और ग्रुप में इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट uh, भी कहते हैं ठीक है और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हर uh, जो एलिमेंट है या नंबर है uh, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है ग्रुप थ्योरी में एक्चुअली नंबर्स हम uh, कम यूज़ करते हैं हम इन इन जनरल एलिमेंट्स का uh, uh, कवर्ड यूज़ करते हैं और एक और प्रॉपर्टी uh, वो ये है कि कोई से भी अगर हम तीन नंबर ले लें डिफ़रेंट uh, तो उनको हम एसोसिएट कर सकते हैं उसके अंदर आ, ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि आ, अगर आपके पास कोई से भी तीन नंबर हो तो उनको आप किसी भी ऑर्डर से आ, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता आप आ, इनको किसी भी तरतीब से ऐड कर सकते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है नंबर्स की इसे हम एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी कहते हैं तो ये बेसिकली आ, एक सेट है जिसके अंदर आ, चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस की हैं और अगर किसी भी सेट के अंदर ये चार प्रॉपर्टीज़ आ जाएं तो उस सेट को फिर मैथमेटिक्स में ग्रुप कहा जाता है तो ये बेसिकली एक ग्रुप है और ग्रुप के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन का होना ज़रूरी है और इस केस में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारे पास एडिशन है आ, ये जो ये वाला जो सेट है ये बेसिकली अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं है क्योंकि आ, हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन नहीं होता लेकिन आ, आ, अब हम अगर ब्रेड्स की बात करें और आ, उनको आ, उनका स्ट्रक्चर देखें तो क्या हम इस तरह की कोई एडिशन ब्रेड से भी कर सकते हैं क्या कोई ऐसा सेट ब्रेड से भी बनाया जा सकता है जो इट्स कोई ग्रुप बन जाए तो आ, आ, इंटरेस्टिंगली ऐसा किया जा सकता है ब्रेड्स के साथ तो ब्रेड जो है फॉर एग्जांपल अगर ज़ीरो ब्रेड हमें ड्रा करना पड़े या जीरो के करस्पॉन्डिंग कोई ब्रेड ड्रा करना पड़े तो वो जो ब्रेड होगा वो बेसिकली ये ब्रेड होगा ठीक है सो so ब्रेड जो है ये टू स्ट्रिंग से भी हम ड्रा कर सकते हैं थ्री से भी और आ, एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स से भी ड्रा कर सकते हैं तो अगर हम टू स्ट्रिंग से ब्रेड ड्रा करें तो ये जो ब्रेड होगा ये ट्रीवियल ब्रेड होगा जिसके अंदर बेसिकली कोई भी क्रॉसिंग नहीं होगी जो वन ब्रेड होगा उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से तो ये हमारे पास ब्रेड है जो वन के करस्पॉन्डिंग हम बना सकते हैं और अगर ये ब्रेड है तो क्या इसका इन्वर्स भी हो सकता है तो इसका जो इनवर्स होगा उसको हम आ, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ठीक है अब ये इनवर्स क्यों है नंबर्स में तो हमें पता है कि इनवर्स इसलिए है क्योंकि अगर हम इस वन को इस माइनस वन में ऐड करें तो ज़ीरो आता है अब अगर हम इस ब्रेड को इस ब्रेड में ऐड करें या कंबाइन करें तो हमारे पास ये वाला ब्रेड आना चाहिए तो इसको ऐसे किया जा सकता है अगर हम इस ब्रेड को इसके साथ इधर नीचे आ, अटैच कर दें स्टैक कर दें तो उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यही ब्रेड आएगा सो so, सो so, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये अगर एक ब्रेड है हमारे पास ठीक है और अब इसके साथ अगर हम ये ब्रेड यहाँ पे अटैच कर लें तो आ, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी और इससे ये बेसिकली एक नया आ, ब्रेड बनेगा लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये बेसिकली नया ब्रेड नहीं है ये यही वाला ब्रेड है क्योंकि अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करें आ, तो ये आज़ाद हो जाएंगे आ, एक दूसरे से और जो सीधे होके ये दो स्ट्रिंग्स बन जाएंगे तो इस वजह से इस ब्रेड को और इस ब्रेड को जब हमने कंबाइन किया तो बेसिकली हमारे पास ये ब्रेड आया लेकिन ये ब्रेड एक्चुअली इसी ब्रेड के इक्वल ही है। और इस तरीके से अगर हम टू ब्रेड ड्रा करें तो आ, उसके करस्पॉन्डिंग ब्रेड ड्रा करें तो ये कुछ आ, ऐसा बनेगा जिसमें टू क्रॉसिंग्स होंगी सो ये आ, ये ऐसा ब्रेड होगा ठीक है आ, इसी ब्रेड को हमने ले इसकी इसी के साथ इसको अटैच कर दिया तो इसका जो इनवर्स होगा वो इस तरफ आ, कुछ आ, ऐसे बनेगा ठीक है सो so, इसको हम आ, ऐसे देख सकते हैं so, सो ये इसके तरीके से ये ब्रेड बनेगा और इस तरीके से हम आ, ब्रेड्स इनफिनिट टाइम्स बना सकते हैं और इससे जो ब्रेड्स आ, हमारे पास इस तरफ भी बनेंगे वो आ, माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएंगे तो ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा जिसे हम सेट ऑफ ब्रेड्स कहेंगे और इस सेट को हम B2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है और 2 क्यों है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली दो स्ट्रिंग से हमने ये ब्रेड बनाया अब इसको समझने के लिए थ्री डायमेंशन के अंदर ये मैंने बेसिकली एक थोड़ा सा आ, टोयसा बनाया है सो yeah. so, ये जो ब्रेड है इसको अगर हम थ्री डायमेंशन में देखें तो ये ब्रेड है एक्चुअली सो दो कोई से स्ट्रिंग्स हैं वो ऊपर किसी डिस्क के साथ अटैच हैं और नीचे भी अटैच हैं और ये जो आ, स्ट्रिंग्स हैं ये कोई प्लास्टिक के हैं या फ्लेक्सिबल हैं जिनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं मे बी अप टू इन्फिनीटी तो जो पहला ब्रेड है ये वाला इसको हमने कैसे बनाया है आ, इसको हमने एक दफ़ा इसको हमने ट्विस्ट किया ठीक है तो अगर हम इस ब्रेड को देखें तो ये बेसिकली ये ब्रेड बन रहा है ठीक है और इसका जो इस ब्रेड का इनवर्स जो है ये वाला ये ब्रेड हमने इस तरीके से बनाया है कि अगर हम इन दोनों को इस तरफ ले आए तो ये ब्रेड बन गया ठीक है अब अगर हम इन दोनों को कंपोज करें कंबाइन करें जो पहले ब्रेड बनाया और जो दूसरे ब्रेड बनाया तो जो नया ब्रेड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा और इसको हम एक्सटेंड करके ये वाला ब्रेड दोबारा से आइडेंटिटी ब्रेड बना सकते हैं तो ये स्टक नहीं होगा तो ये एक डिमॉन्सट्रेशन एक हम घर में कर सकते हैं ब्रेड से और बहुत सारे ब्रेड्स हम इस तरीके से बना सकते हैं कोई से भी दो स्ट्रिंग्स लेके अच्छा अब ये जो आ, ये जो नया ग्रुप बना है इसे हम आ, ब्रेड ग्रुप कहेंगे और ब्रेड ग्रुप विथ टू स्ट्रिंग्स और ये जो दो ग्रुप्स हमने अभी तक डिस्कस किए ये बेसिकली देखा जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर है इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सेम है कैसे सेम है क्योंकि एक तो ये है कि ग्रुप की जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे होल्ड करती हैं एक न्यूट्रल ब्रेड भी है जो कि ये वाला ब्रेड है अगर आप इसको किसी भी ब्रेड के साथ अटैच कर दें तो उस ब्रेड पे ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो वापस उसी तरह का ब्रेड बन जाएगा और ब्रेड्स को हम एसोसिएट भी कर सकते हैं जिस तरीके से हमने ब्रेड्स को स्टैक किया है एक दूसरे के साथ और हर ब्रेड का इनवर्स भी होता है तो नंबर्स के अंदर ये जो जो ग्रुप हमने बनाया नंबर्स है ये बेसिकली वन से जनरेट हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर या ग्रुप थ्योरी के अंदर हम ये कहते हैं कि इसका एक जनरेटर है जनरेटर एक होने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट uh, या कोई भी नंबर है उसको हम वन या उसके इनवर्स से हासिल uh, कर सकते हैं ठीक है सो फॉर एग्जांपल थ्री है तो थ्री को मैं तीन दफ़ा वन uh, अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास थ्री आ जाएगा और अगर माइनस टू लेना हो तो फिर वन का मुझे इनवर्स लेना पड़ेगा और माइनस वन को दो, दो दफ़ा ऐड करेंगे तो माइनस टू आएगा तो ये इसका बेसिकली एक जनरेटर है और ग्रुप थ्योरी में अगर किसी ग्रुप का एक जनरेटर हो तो उस ग्रुप को हम साइक्लिक या सिकलिक ग्रुप भी कहते हैं ठीक है तो ये बेसिकली सिकले ग्रुप है तो अब हम जब कह रहे हैं कि इन दोनों ग्रुप्स का स्ट्रक्चर एक है तो फिर इसका भी कोई एक जनरेटर होना चाहिए तो इसका जो जनरेटर है वो आप ये ब्रेड भी ले सकते हैं या उसका इन्वर्स भी ले सकते हैं सो जनरेटर में आ, या तो आ, कोई एलिमेंट जनरेटर जनरेट करेगा तो अगर कोई एलिमेंट जनरेट कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी उसको जनरेट करेगा सिक्लिक केस में और आ, इस केस में हम कोई सा भी एक ब्रेड ले सकते हैं जो कि यहाँ पे आ, ये इसका ब्रेड ले सकते हम वो जो दूसरा ब्रेड है आ, ये वाला इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इससे भी इस पूरे आ, जो आ, सेट है वि टू स्ट्रिंग्स इसको हम जनरेट uh, कर सकते हैं तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन uh, आ गई अब हम नंबर्स uh, की बजाय ब्रेड से uh, uh, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं जैसे नंबर्स को ऐड किया जा सकता है इसी तरीके से ब्रेड्स को भी हम ऐड uh, कर सकते हैं और इससे हम एक ब्रेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं ठीक है तो अब uh, इस तरह की सिचुएशन कभी मैथमेटिक्स में आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये जो दो ग्रुप हैं ये बेसिकली इनका स्ट्रक्चर एक जैसा है क्योंकि ये भी इंफिनट है ये भी इन्फिनट है ये इसका भी एक ही जनरेटर है इसका भी एक ही जनरेटर है तो बेसिकली ये दो जो दोनों ग्रुप्स हैं ये आइसोमॉर्फिक है ठीक है तो इस इसको हम मैथमेटिक्स में इस तरीके से लिखते हैं अब क्वेश्चन ये रेस होगा नेक्स्ट uh, के uh, uh, क्या हम ये सारा प्रोसेस तीन ब्रेड्स के साथ तीन स्ट्रिंग्स के साथ कर सकते हैं अगर हम दो के बजाय तीन स्ट्रिंग्स ले लें तो क्या होगा ठीक है अच्छा एक चीज़ और है इन दोनों केसेस में कि के चूँकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं सिमिलर स्ट्रक्चर है इन दोनों ग्रुप्स का तो ये जो ग्रुप है ये कम्यूटेटिव है इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर होल्ड करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि कोई से भी दो नंबर्स को हम ऐड करें तो उसमें हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं कोई से भी दो नंबर्स के लिए ठीक है तो इसका मतलब यह है कि ब्रेड्स के अंदर भी ऐसा किया जा सकता है आप कोई से भी दो ब्रेड्स को स्टैक किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं इस केस में कि आप पहले एक ब्रेड लें और उसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखें या फिर एक ब्रेड लेके उसके नीचे दूसरा स्टैक कर लें ओवरऑल दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा ठीक है तो ये जो ब्रेड ग्रुप है ये भी कम्युटेटिव ब्रेड ग्रुप है जस्ट लाइक दिस वन क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है जो नेक्स्ट स्टेप है आ, वो आ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है अब हम आ, क्या करते हैं हम सिंपली नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रिंग्स जो हैं वो आ, दो की बजाय तीन कर देते हैं ठीक है तो अगर हम तीन करेंगे तो जीरो के ब्रेड के करस्पॉन्डिंग जो आ, ब्रेड बनेगा उसके अंदर तीन स्ट्रिंग्स आ जा जाएंगे और आ, इस ब्रेड को आ, हम इसके साथ एक और आ, ब्रेड हमें ऐड करना पड़ेगा आ, एक और स्ट्रिंग ऐड करना पड़ेगा तो ये थ्री स्ट्रिंग वाला ब्रेड हो जाएगा इसी तरीके से इस ब्रेड को हम यहाँ पे बना सकते हैं अच्छा अब आ, इसके लेफ्ट पे हमने एक ब्रेड बना लिया यहाँ पे आ, तो इसी तरीके से यहाँ पे आ, एक और ब्रेड एक और स्ट्रिंग अटैच करके हम ये ऐसा कर सकते हैं लेकिन आ, देखना ये पड़ेगा कि क्या ये इन्वर्सेस हैं या नहीं इस केस में ये एक दूसरे के इन्वर्सेस नहीं हैं हमें इन्वर्स के लिए थोड़ा सा मज़ीद देखना पड़ेगा कि इसका आ, इसका इन्वर्स क्या होगा हाँ किया जा सकता है अगर हम आ, इसको इसको यहाँ से ख़त्म करके इसके साथ अगर हम अटैच इधर इधर ही ब्रेड बना लें तो ये जो ये जो ब्रेड है और ये ब्रेड है अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये जो दरमियान वाला जो ब्रेड है ये बन जाएगा क्योंकि जैसे पहले हमने अटैच किया था एक दूसरे के साथ स्टैकिंग करके इस तरीके से हमें यहाँ पे लेफ़्ट पे एक नया ब्रेड बनाना पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से ये जो थ्री स्ट्रिंग्स वाले जो ब्रेड्स हैं वो भी हर ब्रेड का इनवर्स हम आ, बना सकते हैं और ये जो सेट बनेगा ये भी सेट फिर अल्टीमेटली एक ग्रुप बन जाएगा ठीक है और अगर ये ग्रुप बनता है तो क्वेश्चन यह है कि इस ग्रुप के अंदर आ, कितने जनरेटर्स होंगे इस ग्रुप को आ, कौन सा ब्रेड जनरेट करेगा एक ब्रेड जनरेट करेगा या दो ब्रेड जनरेट करेंगे तो इस केस में ये जो नया ग्रुप बनेगा ये बेसिकली इस Z के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा ये इससे एक डिफरेंट ब्रेड बनेगा और इसके जो जनरेटर्स हैं वो दो होंगे एक जनरेटर इसका हम ये ले लेते हैं और इसका जो दूसरा जनरेटर होगा वो कुछ आ, ऐसा होगा ठीक है सो ये दो ब्रेड से हम जो ब्रेड विथ थ्री स्ट्रिंग्स हम हर ब्रेड को जनरेट कर सकते हैं ठीक बेसिकली है? इन दोनों की कंबिनेशन होगा सो फॉर एग्जांपल मैं इसमें अच्छा इनको हम नाम भी दे सकते हैं मैथमेटिक्स में क्योंकि बार बार ड्रॉ करना तो ठीक नहीं है और इस पर टाइम भी लगता है तो उससे बेहतर यही है कि हम इनको कोई नाम दे दें इस ब्रेड को हम सिग्मा वन कह सकते हैं और इस ब्रेड को हम नाम दे, दे देते हैं सिग्मा टू तो ये बेसिकली आ, जो सेट बनेगा ये दो ब्रेड्स इसके जनरेट होंगे तो अब हम मैथमेटिक्स बीच में ले आएंगे अब हम बार बार ब्रेड्स ड्रॉ करने के बजाय अब हमने उनको जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया सिंबल्स के साथ यहाँ पर ये यह शर्त है कि वो लाइन

इसके साथ हम पहले एक तरफ स्ट्रिंग इधर अटैच कर दें और वो जो कि एक ब्रेड बन जाएगा वो उसी के साथ अटैच होगा तीसरा पे ठीक है तो वो एक डिफरेंट ब्रेड होगा और अगर हम वो स्ट्रिंग इस तरफ ड्रॉ कर लें तो वो एक और ब्रेड बन जाएगा जो कि उससे डिफरेंट होगा ठीक है क्योंकि अब अब हम इनको फर्दर ए, एक से दूसरे तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि एक स्ट्रिंग पहले इस तरफ है राइट साइड पे और वो स्ट्रिंग इस तरफ लेफ्ट साइड पे है ठीक है तो इस तरीके से कोई सभी सॉरी कोई सभी जो जो ब्रेड है वो इन दोनों की कम्बिनेशन हमारे पास होगी हाँ अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किया जा सकता है कि अगर हम इन दोनों को अगर हम स्टैक करें इन दोनों ब्रेड्स को अगर हम स्टैक करें तो इसका क्या इसका क्या आंसर आएगा इसके लिए पहले आप हमें कोई ऑर्डर फिक्स करना पड़ेगा कि अगर सिग्मा टू पहले लिखा है तो पहले इसको ऊपर ड्रा करना है या सिग्मा वन को पहले ड्रा करना है ये हम कोई एक फिक्स ऑर्डर पहले कर लेते हैं और फिर उसी ऑर्डर को ही फिर हमने कंप्लीटली फॉलो करना है जब कभी भी ब्रेड को स्टैक करना है तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो सिग्मा टू है इसको ऊपर ड्रा करेंगे जो भी ब्रेड इधर पहले आएगा उसको ऊपर ड्रा करेंगे और जो ये वाला आएगा उसको उसके नीचे स्टैक करेंगे ठीक है सो इस ऑर्डर से हम पहले सिग्मा टू ड्रा करते हैं तो सिग्मा टू हमारे पास ये बन रहा था आ, ये ये सिग्मा टू हो गया सो so, हम इनको आ, याद करने के लिए कि कहाँ तक सिग्मा टू था और कहाँ से आगे सिग्मा वन स्टार्ट हुआ उसको हम इन छोटे छोटे डैच से भी शो कर सकते हैं तो ये हमारे पास सिग्मा टू हो गया और फिर उसके बाद आ, सिग्मा वन के लिए हमें ये करना पड़ेगा और फिर ये इसके साथ ये अटैच करना पड़ेगा सो नाउ दिस विल बी ए डिफरेंट ब्रेड ठीक है क्योंकि इसमें अब दो दफा क्रॉसिंग हो रही है एक यहाँ पे हो रही है और एक यहाँ पे हो रही है crossing, crossing, save, save. आ, किस तरफ सो so, हमने ऑर्डर ये रखा हुआ है कि जो सिग्मा टू है उसको हमने जो 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 इधर वाला है उसको टॉप पे रखना है और जो ये वाला है उसको उसके नीचे रखना मैंने सही ड्रॉ किया आई थिंक यू आर राइट आई एम रॉन्ग सिग्मा वन को ड्रॉ मुझे uh, ऐसे करना चाहिए थैंक यू यस थैंक यू ये हमारे पास नया अपडेट आ जाएगा ठीक है अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें अगर हम आ, सिग्मा टू और सिग्मा वन ड्रॉ करें तो क्या होगा ठीक है सो so, अब हमें पहले सिग्मा वन ड्रॉ करना पड़ेगा टॉप पे सो so, सिग्मा वन हमारे पास आ, ये है और उसके बाद सिग्मा टू इसके नीचे ड्रॉ करना है तो ये स्ट्रेट हो जाएगा ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्मा टू और सिग्मा वन है अब अगर हम इनको गौर से देखें तो पता चलेगा कि ये दोनों सेम नहीं है ठीक है और इनको ट्रेस करने के लिए कि क्यों सेम नहीं है सम टाइम हम आ, इनको आ, ये जो उनके फिक्स पॉइंट्स हैं उनको नंबर भी दे सकते हैं कि ये वन टू थ्री है और ये भी वन टू थ्री है जो फिक्स पॉइंट्स हैं ये वन टू थ्री है और ये वन टू थ्री है और अब हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर कहाँ पे एंड कर रहा है तो ये जो वन स्ट्रिंग जहाँ वन से शुरू हो रहा है वो टू पे एंड हो रहा है लेकिन ये जो वन से शुरू हो रहा है ये अल्टीमेटली नीचे थ्री के साथ हो रहा है तो जो ये शो कर रहा है कि ये दोनों ब्रेड्स आपस में सेम नहीं है ठीक है तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि सिग्मा वन और सिग्मा टू इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा टू एंड सिग्मा वन मीनस के अगर हम थ्री स्ट्रिंग्स से ब्रेड बनाएंगे या ब्रेड ग्रुप बनाएंगे तो वो जो ग्रुप होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा उसका स्ट्रक्चर इस जी जैसा नहीं होगा ये नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप होगा और ये नॉन साइकिल भी होगा क्योंकि इसके अंदर आ, इसके दो जनरेटर्स हैं ठीक है कोई भी ब्रेड है अब ये इंटरेस्टिंग है कि कोई भी ब्रेड है तो ये तो इन्फिनिट वे में हम ऐसे स्टैकिंग कर सकते हैं और उन स्टैकिंग को हम आ, सिग्मा वन और सिग्मा टू या उनके इन्वर्सेस से बना सकते हैं ठीक है तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि आ, ये इसके दो जनरेटर्स हैं सिग्मा वन और सिग्मा टू अब इसमें इसका इसके अंदर एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है आ, वो आ, मैं इधर से ही ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम सो ओके सो मे बी मे बी मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा अच्छा अब हमारे पास सिग्मा वन सिग्मा टू और सिग्मा टू है और अगर मैं इधर सिग्मा वन लिखूँगा फ़र्ज करें तो फिर मुझे वो जो सिग्मा वन है आ, वो कहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा इसके ऊपर ड्रा करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले आ गया तो मैं इन नंबर्स को दोबारा से मिटा देता हूँ ताकि ये हमारे पास प्रॉब्लम ना हो और इसको मैं बाद में ड्रा कर दूँगा ताकि मज़ीद ये क्लियर हो जाए तो पहले जो सिग्मा वन और सिग्मा टू था वो तो ये हमने ड्रा कर लिया अब हमारे पास सिग्मा वन है तो सिग्मा वन आ, हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं और ये कुछ आ, ऐसे हो जाएगा ठीक है और आ, अब अगर हमें आ, थोड़ा सा इसे इसका इसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करना पड़े अगर हम आ, सिग्मा टू सिग्मा वन और सिग्मा टू ड्रा करें तो क्या होगा इसको याद करने के लिए हम वन टू थ्री दोबारा लिख सकते हैं और ये वन टू थ्री यहाँ पे लिख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वन जो है वो थ्री पे आ रहा है टू जो है वो टू पे आ रहा है और थ्री जो है वो वन के साथ आ रहा है ये सब so बेसिकली ये बेसिकली uh, परमोटेशन हो रही हैं कुछ नंबर्स की ठीक है और uh, इस तरह की परमोटेशंस को हम स्टडी कर सकते हैं परमोटेशन ग्रुप्स की सेंस में ठीक है और इसे एडवांस ग्रुप थ्योरी में फिर हम रिप्रेजेंटेशन थ्योरी कहते हैं बेसिकली कि हम इन्हीं ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं परमुटेशन ग्रुप्स या समेट्रिक ग्रुप्स के हिसाब से तो अब मैं ये वाला ब्रेड ड्रा करने लगा हूँ और फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों आपस में सेम हैं या नहीं तो हमारे पास सिग्मा वन जो है वो आ, ये था मेरे ख्याल में और सिग्मा टू है वो ये था ठीक है और हमने ये रखा हुआ है कि जो पहले आएगा उसको हमने ऊपर ड्रा करना है तो सिग्मा टू को ऊपर ड्रा करेंगे तो ये यहाँ से शुरू होगा इधर आ जाएगा फिर हमने सिग्मा वन ड्रा करना है उसके लिए फिर ये आ जाएगा और फिर एंड पे दोबारा से सिग्मा टू ड्रा करना है तो ये आ जाएगा ठीक है अब ये एक नया ब्रेड बन गया अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों ब्रेड आपस में सेम है तो एक तरीका तो ये है कि हम इनको पहले नंबर से चेक कर लें कि क्या आ, नंबर सेम एक दूसरे के साथ मैप हो रहे हैं तो ये तो पता चल रहा है कि वन जो है यहाँ पे भी थ्री के साथ आ रहा है और ये ऊपर से ही आ रहा है ठीक है अब बीच में किसी भी जगह नीचे नहीं जा रहा ऊपर ऊपर से ही ये आ रहा है तो ये वन थ्री के साथ अटैच हो रहा है और टू जो है ये आ, टू के साथ आ रहा है जैसे कि इधर था टू टू के साथ एंड हो रहा है और थ्री जो है वो वन के साथ है और थ्री वन के साथ है अब ये जो बीच में थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं इनको हम टपोलॉजिकली इक्विवेलेंट कर सकते हैं इनको मूव कर सकते हैं जो बाज़ाय पिक्चर में हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है लेकिन टोपोलॉजी में हम इन चीज़ों को अलाउ करते हैं हम इनको इधर उधर मूव कर सकते हैं उससे कुछ नई क्रॉसिंग ऐड नहीं होगी ओवरऑल ओवरऑल इस ब्रेड के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं आएगा तो ये ब्रेड और ये ब्रेड सेम हो जाएंगे तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा वन जो है वो सिग्मा टू सिग्मा वन और सिग्मा टू के तो जो हमारे पास दो जनरेटर्स हैं बी थ्री के अंदर उनके अंदर ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशन हमने फाइंड कर लिया ठीक है और मैथमटिशियन uh, फिर इसको आ, ऐसे लिखते हैं कि ये एक ग्रुप है जिसके अंदर दो जनरेटर्स हैं और इसका ये एक बड़ा नाइस रिलेशन है जिसे हम ब्रेड रिलेशन भी कहते हैं सिग्मा टू सिग्मा वन एंड सिग्मा टू और ये उस पूरे जो इन्फिनिट ग्रुप है उसकी फाइनाइट प्रेजेंटेशन है ठीक है सो दिस इज दिस इज दिस इज़ कैन अंडरस्टैंड और अगर हमारे पास तीन स्ट्रिंग्स हों तो उनके साथ हम ये सारा कुछ कर सकते हैं और दिस इज़ समाउ इंटरेस्टिंग ग्रुप और टोपोलॉजी के अंदर फिर फर्दर हम इनको नॉट्स के हवाले से भी देखते हैं कि क्या ये जो ग्रुप है ये अल्टीमेटली किसी नॉट के साथ लिंक्ड है या नहीं तो यस yes, ये नॉट के साथ लिंक किया जा सकता है अगर हम ऐसी नॉट ले लें जिसके अंदर तीन क्रॉसिंग्स हों और उनके अंदर फिर हम किसी और रोप के साथ डिफरेंट पाथ बनाना शुरू करें तो डिफरेंट पाथ्स का भी एक जो सेट बन जाएगा और वो सेट जो है वो ग्रुप फर्दर बनता है जैसे हम फंडामेंटल ग्रुप कहते हैं तो अगर इस नॉट का फंडामेंटल ग्रुप बनाया जाए जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है तो वो बेसिकली इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा और B2 के केस में जो B2 के केस में हमने देखा था कि ये Z के आइसोमॉर्फिक है और ये बेसिकली फंडामेंटल ग्रुप बनता है किसी भी सर्कल का कोई भी सर्कल ले लें ले और उसके ऊपर हम डिफरेंट लूप्स बनाना शुरू कर दें और डिफरेंट पाथ्स बनाना शुरू करें तो हर पाथ का इन्वर्स पाथ भी बनाया जा सकता है सर्कल के ऊपर तो इस तरीके से हम इनफिनिट बना पाथ बना सकते हैं तो ये फंडामेंटल ग्रुप इस केस में जी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ठीक है और वो सर्कल के ऊपर ही हम ग्रुप बना सकते हैं और इस केस में हमें इससे इधर आने के लिए फिर हमें ये वाली नॉट यूज करनी पड़ेगी तो यहां से अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या हम ब्रेड से नॉट्स बना सकते हैं या नहीं ठीक है ग्रुप स्ट्रक्चर में तो ऐसा लग रहा है कि यस ऐसा किया जा सकता है तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम ब्रेड से नॉट बना सकते हैं दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक सो इसके लिए बेसिकली ऐसा करना पॉसिबल है और ये बेसिकली प्रूव किया था अलेक्जेंडर ने और उसका एक फेमस थ्योरम है जो कि उसने आई थिंक 1925 ट्वेंटी फाइव में प्रूव किया था और वो बेसिकली ये कहता है कि कोई भी जो नॉट है वो ब्रेड से हासिल की जा सकती है और इवन किसी भी नॉट से हम दोबारा वापस ब्रेड की तरफ भी आ सकते हैं सो एवरी इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी बनेगी कि एवरी नॉट इज़ इज ए इज ए क्लोयर ऑफ सम सम ब्रेड अब मैं उसकी उसकी एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नॉट है और नॉट बेसिकली क्यों है क्योंकि ये uh, हमने कोई कोई रोप ली है या कोई स्ट्रिंग लिया और उसको हमने स्पेस के अंदर घुमा के एक नॉट बना दी तो, तो है तो इट् जी सो सो सिंपल वे में तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि इट इज़ ए सिंपल क्लोज कार्व इन थ्री डायमेंशनल स्पेस या फिर इट इज़ एम्बेडिंग ऑफ ए सर्कल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस और मोर टेक्निकली फिर एक फंक्शन होता है जो जिसको डोमेन होती है और फिर रेंज होती है इट्स ए काइंड ऑफ सम फंक्शन जिसके अंदर यहाँ मे बी एस uh, हो SO या मे बी एस क्रॉस एस हो आई डोंगजैक्टली रिम्बर मे बी आई डों बट वो जो है इस सेट के ऊपर मैप्ड हो जाता है आई एम नाट श्योर मैंने काफ़ी अरसे से देखा नहीं है मे बी इट्स एस एस वन मे बी जस्ट एस वन आर आई एम नॉट श्योर तो इसको हम एज ए फंक्शन के तौर पर uh, भी डिफाइन कर सकते हैं ठीक है ओके सो यहाँ पे अलेक्जेंडर थेरम को हम चेक करते हैं कि एक सिंपल केस में okay, अगर हमारे पास आ, एक ब्रेड हो आ, आ, हम B2 से एक ब्रेड लेते हैं टू स्ट्रिंग से एक ब्रेड बनाते हैं और उससे कोशिश करेंगे कि हम ये वाली जो नॉट है ये हम ले लें तो उसके लिए आ, मैं जो ब्रेड लूँगा वो ये वाला होगा आ, उसको मैं एक दफ़ा मजीद ट्विस्ट करवाऊँगा और दोबारा से तीन दफ़ा ट्विस्ट करवाऊँगा ठीक है तो ये एक ब्रेड लिया हमने कोई सा भी ब्रेड है जो हमने टू स्ट्रिंग्स का जो ब्रेड ग्रुप था वहाँ से एक ब्रेड लिया ठीक है अब मैं अलेक्जेंडर थेरम ये कहता है कि इसको एक ख़ास तरीके से क्लोज किया जा सकता है और वो क्लोज़ करने के बाद हम एक नॉट बना सकते हैं तो आ, इसको क्लेस क्लोज करने का ये तरीका है कि हम पहले इसी को ऐसे ही दोबारा से बना लें और और इसका एक तरीका ये है कि हम इन दोनों एंड्स को आपस में अटैच कर दें और इन दोनों एंड्स को आपस में अटैच करें तो कोई बटरफ्लाई की तरह की कोई चीज़ बन जाएगी तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली ये वाली नॉट है इस नॉट को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा मजीद स्पेस के अंदर डिफॉर्म करेंगे तो ये कुछ इस तरह की नॉट बन जाएगी इट्स अ नॉट विथ थ्री क्रॉसिंग्स थ्री क्रॉसिंग्स क्यों हैं क्योंकि जिस ब्रेड से बना है उसके अंदर थ्री क्रॉसिंग्स थी तो एक क्रॉसिंग ये है एक क्रॉसिंग ये है और एक क्रॉसिंग ये है ठीक है तो अलेक्जेंडर थेरम ये कहता है कि कोई भी हमारे पास नॉट हो आ, उसको हम किसी ब्रेड से बना सकते हैं तो और इसका इन कन्वर्स भी किया जा सकता है रिवर्स भी किया जा सकता है कि क्या हम इधर से वापस इधर आ सकते हैं तो उसके लिए भी आ, एक स्टेप किया जा सकता है और वो स्टेप ये है कि हम इसको पहले दोबारा से बना लें और और अब मैं इसको पहले इधर लेके आता हूँ और फिर इसको मैं इधर लेके आता हूँ जो कि टोपोलॉजिकली आई कैन डू दिस इससे कोई नॉट के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जस्ट मैंने ये किया कि ये जो पार्ट था नॉट का इसको उठा के मैंने इस तरफ कर दिया ठीक है और अब जो नेक्स्ट स्टेप था अलेक्जेंडर थेरम के अंदर वो ये है कि अब अब आप इसको यहाँ से कट करें किसी भी जब ये दोनों एक साइड पे आ जाएं वो कुछ एक 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 एल्गोरिदम है एक प्रोसेस है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं और जो कि थ्योरम के अंदर सम हाउ डिस्क्राइब भी है और अगर हम इसको कट करेंगे यहाँ से किसी प्लेन के साथ सिर्फ इस पार्ट को सारे को नहीं कटना और उसको अगर हम दोबारा से खोलेंगे वापस तो ये वापस हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी टोपोलॉजिकली ठीक है तो ये एक बड़ा फेमस थेरम है नॉट थ्योरी के अंदर अलेक्जेंडर थेरम जो 1925 के अराउंड उसने प्रूव किया था और जिससे हम हर नॉट जो है ब्रेड से ले सकते हैं और इसी तरीके से किसी नॉट से हम कुछ ब्रेड्स भी बना सकते हैं ठीक है so, सो जो ब्रेड ग्रुप की ब्रेड ग्रुप थ्योरी के अंदर और इंटरेस्टिंग काम हुआ था वो आ, उसके अंदर वो भी इन्हीं डेट्स के अंदर हुआ था और वो जो था ब्रेड ग्रुप की जो प्रेजेंटेशन थी वो आर्ट एंड सॉरी वॉज समाइल आर्ट एंड उसने भी 19 आई थिंक 20s के अंदर इस इस ब्रेड ग्रुप थ्योरी को प्रॉपरली मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था और ब्रेड जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसकी प्रेजेंटेशन जो है उसने उसको कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि आपके पास कोई भी एन अगर आपके पास अगर आप एन स्ट्रिंग्स ले लें और उनसे अगर आप ब्रेड ग्रुप बनाएं तो उसके अंदर एन माइनस वन जनरेटर्स होंगे एन माइनस वन जनरेटर्स होंगे और उनके बीच में आ, ये एक रिलेशन होगा आई प्लस वन और यहाँ पे भी आई और ये आई प्लस वन सिग्मा आई और सिग्मा आई प्लस वन और Uh, कुछ ब्रेड्स ऐसे होंगे uh, जिसमें uh, जो कम्यूट भी करेंगे आपस में ठीक है सो so, वो हमारे पास कुछ इस तरह के होंगे आई और जे uh, होंगे यहाँ पे आई uh, और जे जो हैं वो कोर्स सेम नहीं होंगे आई इज़ नॉट इक्वल टू जे और इन दोनों का जो डिफरेंस है uh, वो टू होना चाहिए या टू से बड़ा होना चाहिए ठीक है तो ये एक जनरल ब्रेड ग्रुप की जो प्रेजेंटेशन है एन uh, के केस में एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के केस में भी डिस्क्राइब की जा सकती है तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम था जहाँ से एक प्रॉपर ब्रेड ग्रुप थ्योरी की तरफ मैथमटिशंस uh, जो हैं वो स्टडी करना शुरू हो गए तो आर्ट एंड इसे आर्ट एंड ब्रेड ग्रुप रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है जैसे हम फाइनल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं और ये uh, अगर हम एन को वन रखें तो फिर तो जस्ट एक ही स्ट्रिंग होगा और वो तो ट्रिवियल है अगर हम एन को आ, टू रखेंगे तो टू माइनस वन मीन जस्ट एक ही जनरेटर होगा जो कि हमने पहले देख लिया है और एन को अगर हम थ्री रखेंगे तो हमारे पास दो जनरेटर्स आएंगे उस केस में फिर ये रिलेशन नहीं आएगा हमारे पास ठीक है क्योंकि आ, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो वन ही आता है ठीक है उसको टू से ज़्यादा होना चाहिए तो ये एक बड़ी नाइस प्रेजेंटेशन थी ब्रेड ग्रुप Uh, अगर हमारे पास इन जनरल किसी किसी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर हम ब्रेड ग्रुप बना सकते हैं अब क्वेश्चन ये है कि ब्रेड uh, से नॉट हम बना लिए अब अब नॉट्स को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेड ग्रुप स्ट्रक्चर्स तो काफ़ी इजीली uh, हम यहाँ से बना सकते हैं लेकिन जो नॉट्स हैं उनको Uh, कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए कि ये एक नॉट दूसरी नॉट से डिफरेंट है फॉर uh, एग्जाम्पल uh, ये हमारे पास ऐसा लग रहा है कि कुछ तीन हाँ हाँ कुछ समथिंग लाइक दैट मैंने वैसे ये पेपर पढ़ा नहीं है लेकिन मे बी बाई इंडक्शन यस अच्छा जो 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 इन्फिनिट ग्रुप थ्योरी है उसके अंदर जो फाइनेट प्रजेंटेशन ऑफ इनफिनिट ग्रुप्स हैं उनके लिए मुख्तफ मैथड्स यूज होते हैं यूजली वर्ड प्रॉब्लम्स कहा जाता है इनको ग्रुप थ्योरी के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं uh, जिसमें देखा जाता है कि कोई से भी दो वर्ड्स जो हैं वर्ड ये बेसिकली वर्ड्स हैं uh, इनको हम ग्रुप थ्योरी की लैंग्वेज के अंदर अगर हम एज ए लैंग्वेज देखें तो ये वर्ड्स है, हैं ये अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे मुखलि वर्ड्स हैं तो फिर ये क्वेश्चन किया जाएगा कि कोई से भी दो वर्ड कब एकट होंगे और फिर जो फाइनर हैं वो फिर मुख्त एल्गोरिदम से उस, उसे तो में हैं। में वैसी हैं जैसा कि ए बी इन इज एक वो सारी प्रॉपर्टीजली ग्रुप स्ट्रक्चर में होती हैं exactly, वो कभी वर्ड प्रॉब्लम बन जाता है फिर उसमें इवन कॉन्जुगेशन हो ये सारी चीज़ें आती हैं और आपके क्या ख्याल है आपका ये तस्वीरें बनाकर नहीं नहीं होगा नहीं तस्वीरों से नहीं होगा सिंबल से होगा ये जो इसके जनरेटर्स हैं और सिंबल्स हैं उनसे हम करेंगे लेकिन ऑफ कोर्स इसके पीछे हो तो तस्वीरें ही चल रही है वंस अगर हम इनको एक्सप्रेस कर लेंगे सिंबल से तो। ओके okay, सो so, अब क्वेश्चन जो है वो फिर नॉट uh, थ्योरी के अंदर आ गया है कि अब हम नॉट्स uh, को कैसे स्टडी करें ऑफ कोर्स uh, हमेशा हम थ्री डायमेंशनस के अंदर इस तरह नॉट्स तो नहीं ड्रा कर सकते और फिर उनको स्टडी करना पेज के ऊपर कैसे लेके आएंगे उसके लिए फिर यह है कि हमें नॉट्स की प्रोजेक्शन करनी पड़ेगी ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नॉट है और uh, इस नॉट को मैं uh, यहाँ से या ये वाली जो लाइट आ रही है इसको मैं प्रोजेक्ट करके पहले पेज पे लेके आऊँगा और इससे मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करूँगा ठीक है सो so, ये जो नॉट है इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी ठीक है अब मुझे 2D के अंदर लेके आना है तो फिर ये जो आ, अंडर क्रॉसिंग बन रही हैं जैसे कि देखा जाए तो ये ये एक यहाँ से एक पार्ट शुरू हो रहा है नॉट का जो है यहाँ तक आ रहा है और इसे फिर हमें नाम देना पड़ेगा इसको हम कहेंगे कि ये एक आर्क है बेसिकली नॉट की ठीक है तो एक अंडर पास जो कि यहाँ से फॉर एग्जांपल शुरू हो रहा है यहाँ से लेके नेक्स्ट अंडर पास तक जो कि यहाँ तक है उसे हम आर्क का नाम देंगे ठीक है और फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके कर यहाँ तक टू डी के अंदर इसको हम एक आर्क कह देते हैं और उसको फिर किसी सिंबल से किसी अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट uh, प्रोजेक्शंस हो सकती हैं फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्शन कुछ इस तरह की बन रही है और अगर मैं uh, इसी को इस सेम इसी उसमें रखूँ और ऊपर से प्रोजेक्शन डालूँ तो नीचे कुछ और प्रोजेक्शन बनेंगे ठीक है और अगर उस दीवार पे करूँ तो कुछ और प्रोजेक्शन होगी उस दीवार से करूँगा तो कोई और प्रोजेक्शन होगी अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोजेक्शन हैं ये सेम हैं किसी एक ही नॉट को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ये प्रॉब्लम जो है ये नॉट थ्यूरी के अंदर एक एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम आ गया है कि आपके पास नॉट हैं अच्छा सिंपल जो नॉट है वो तो ऐसी हो सकती है जिसमें कोई भी क्रॉसिंग ना हो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और इससे मैं एक नॉट बना लूँ स्पेस के अंदर थ्री डायमेंशन के अंदर अब ये ऐसी नॉट है जिसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है ठीक है आ, और इसकी मैं अगर प्रोजेक्शन करूँगा तो मेरे पास सर्कल बनेगा बेसिकली टोपोलॉजिकली लेकिन इवन इस केस में भी अगर मैं इसको मिक्सअप कर दूँ और इस तरह की चीज़ बना लूँ तो इसको मैं जब यहाँ प्रोजेक्ट करूँगा किसी भी जगह पर तो ये नीचे जो प्रोजेक्शन आ रही है ये तो इससे तो समझ नहीं आएगी कि ये कोई सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोजेक्शन आ रही है ये इसके पीछे कोई सर्कल है या इसके पीछे कोई डिफरेंट क्रॉसिंग वाली नॉट है तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम नॉट थ्योरी के अंदर आ गया अब जो सिंपल नॉट है उसके अंदर कोई क्रॉसिंग नहीं होगी ठीक है स्टडी करेंगे तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब इसकी इनकी प्रोजेक्शंस को स्टडी करेंगे अब जो नेक्स्ट स्टेप है आ, ये, ये सर्कल वाली नॉट है इसे हम ट्रिवियल नॉट या अन नॉट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई क्रॉसिंग नहीं है और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें फिर हम एक दफ़ा इसको ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करके हम ये वाली नॉट बना लेंगे अब हमें इसको स्टडी करना है कि ये क्या है आ, थ्री डायमेंशंस के अंदर तो कुछ हमें नजर आ रहा है इसको टू के अंदर लेके आएंगे तो फिर हमें इसको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा तो पता चलेगा कि इसके अंदर बेसिकली थ्री क्रॉसिंग बन रही है ठीक है आ, एक क्रॉसिंग यहाँ पे बन रही है एक क्रॉसिंग यहाँ पे बन रही है और एक क्रॉसिंग ये बन रही है और ये नॉट मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ की हुई है इसको हम थोड़ा सा टोपोलॉजिकली डिफॉर्म करेंगे तो ये नॉट बन जाएगी ओके okay, ये तो नॉट विद थ्री क्रॉसिंग हो जाएगी और अगर हमें नॉट विद फोर क्रॉसिंग बनाना चाहूँ तो एक दफ़ा मुझे दोबारा ट्विस्ट करना पड़ेगा और ये जो नॉट होगी इसको मैं जब कैलकुलेट करूँगा ये इसको देखूंगा तो इसके अंदर नॉट विद फोर क्रॉसिंग होगा ये जो नॉट है इस केस में इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वे है अपटेन करने का जो हम घर में एक्टिविटी कर सकते हैं वो ये है कि हम कोई सी भी एक स्ट्रिप ले लें आ, मैं ये चाहता हूँ कि आ, इस स्ट्रिप से मैं ये वाली नॉट ले लूँ दिस इज़ माई माई एक्टिविटी दिस इज़ वॉट माई आई वॉन्ट सो इसका ये तरीका है कि एक स्ट्रिप ले लें और उसके सेंटर में एक लाइन ड्रा कर लें और ऊपर वाले हाथ को मैं फ़िक्स करता हूं लेकिन नीचे वाले जो है ना उनको मैं ट्विस्ट करूंगा और तीन दफ़ा ट्विस्ट करना है सो so एक दफ़ा ट्विस्ट करूंगा तो ये एक ट्विस्ट हो गई ठीक है और दोबारा मैं ट्विस्ट करूँगा तो ये हो जाएगा और एक दफ़ा मैं फिर से ट्विस्ट करूँगा तो ये आ जाएगा अब मैंने तीन दफ़ा ट्विस्ट किया तो ये चीज़ बन जाएगी अब ये अभी तक उस तरह की नॉट नहीं है अब मैं ये जो दो एंड्स हैं इनको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे इनको मैं जॉइन कर देता हूँ किसी भी किसी भी चीज़ के साथ तो लेट्स हम इसको जॉइन कर देते हैं किसी किसी स्टेपलर uh, के साथ ये नॉटेड सरफेस बन जाएगी और अभी तक ये नॉट उस तरह की नहीं है जैसे हम बनाना चाह रहे हैं और ये हमारे पास एक नॉटेड थ्री डायमेंशनल सरफेस बन जाएगी जो कि इस ये अभी ऐसी नहीं है ठीक है मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसी बन जाए तो इसका ये तरीका कार है कि हम इसको सेंटर से काटना शुरू कर दें ये जो सेंटर वाली लाइन है तो जब हम इसको सेंटर से काटेंगे कंप्लीटली काटते चले जाएँ तो फिर उससे मुझे ये मिल जाएगी इस तरह की जो सरफेस है इसको मोबियस uh, स्ट्रिप भी कहते हैं या मोबियस बैंड भी कहते हैं मोबियस बैंड इसलिए कहते हैं कि अगर uh, कोई भी चीज़ है uh, जैसे कि हिजर की गाड़ी है अगर मैं इसको इसके ऊपर चलाना शुरू करूं, तो ये uh, चलती चली जाएगी और दोनों साइड से होते हुए ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगी जहाँ से ये स्टार्ट गई ठीक है लेकिन इसमें नहीं होगी क्योंकि मैंने इससे जब ये बनाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा इससे जब मैं इस इस गाड़ी को यहाँ से चलाऊंगा फॉलो करते हुए इस गाड़ी को उठाए बगैर जब ये चलती चली जाएगी इस तरीके से यहाँ से यहाँ ये यह इधर अंदर तक आएगी तो ये वापस आ जाएगी लेकिन ये सिर्फ़ इस नॉट सरफेस का सिर्फ एक ही साइड को ट्रैवल करेगी ये जो इन साइड वाला हिस्सा है उसको ट्रैवल नहीं करेगी लेकिन इधर था इधर इधर दोनों साइड पर ट्रैवल करेगी ठीक है ना क्योंकि इसलिए ये मोबियस स्ट्रिप थी ये उस तरीके से मोबियस स्ट्रिप नहीं बनी तो यहाँ से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया प्रॉब्लम आया प्रॉब्लम ये आया कि जब हम इसको कट करेंगे तो फिर कुछ एकट ट्विस्ट बीच में से निकल जाएगी सम्भाव ठीक है तो ये मैं हानिया आपको देता हूँ एज एन एक्टिविटी के आप इसको बीच में से काटें uh, इस लाइन के और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हानिया ने सही तरीके से काट लिया तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये इस तरह की कोई चीज़ बनती है या नहीं तो ये इंटरेस्टिंग uh, uh, एक uh, एक एक्टिविटी की जा सकती है इसके अंदर लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि Uh, दो जो नॉट्स हैं उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे स्पेस के अंदर भी या इवन अगर टू डी के अंदर भी लेके आ जाएँ तो ये फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए आ, फिर मैथमटिशन्स ने मुख्तफ़ मैथड्स मुख्तफ़ एलगोरीदम्स डिस्क्राइब किए और जो कि वो जो एल्गोरीदम्स हैं या समटाइम्स कुछ प्रोसेस हैं जिससे उन्होंने कुछ क्वान्टिटीज़ जो हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैलकुलेट किए नॉट से फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अलेक्गजेंडर ने एक पोलिनियल जो है वो डिफ़ाइन uh, की नॉट के साथ जैसे अलेगजेंडर पोलिनियल है उसको उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा यहाँ पे, तो वो अलेगजेंडर पोलिनियल किसी नाट से आप बना सकते हैं और दो नाट डाइग्राम uh, से कैलकुलेट करेंगे कि दोनों नॉट डायग्राम्स के अलेक्जेंडर पोलिनॉमियल्स कैसी हैं अगर वो दोनों सेम आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों जो नॉट डायग्राम्स हैं वो बेसिकली एक किसी एक ही नॉट को रिप्रजेंट करी हैं या दोनों नॉट डायग्राम्स आपस में इक्विवेलेंट हैं इसी तरीके से काउफमैन ने और जॉन्स ने नाइनटीन एटीज़ के अंदर जॉन्स पोलिनॉमियल डिस्कवर की वो उसके वो भी थोड़ा सा मजीद टेक्निकल है और जॉन्स पोलिनियल की वजह से आई थिंक जॉन वॉन जॉन को फील्ड मेडल मिल गया और फिर बाद में फिजिसिस्ट इस में आगे उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया क्योंकि उनका यह ख्याल था कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी कुछ नोटेड हैं और अगर हम इनको इस तरीके से स्टडी करें तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट बट बाई दी एंड ऑफ दिस वीडियो हम देखेंगे इस दौरान हानिया ने ये कम्प्लीट कार्ड दी है सेंटर में से अब मैं देखता हूँ कि वाकई हम हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ या नहीं तो जब हम उसको सेंटर से काटेंगे तो अब जो नई जो चीज़ बनेगी इसको मज़ीद थोड़ा सा हमने सिम्प्लीफाई करना है तो पता चलेगा कि अब इसके अंदर कितनी क्रॉसिंग्स हैं ये हमने चेक करना है ठीक है तो बिल्कुल हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक रहा इसके अंदर तीन ही क्रॉसिंग बन रही है ठीक है इसको देखा जाए तो ये कुछ तीन क्रॉसिंग इधर यहाँ पर आ रही हैं और ये नॉट जो है इसी तरह की नॉट बन जाए ठीक है तो ये एक एक्टिविटी है जो हम घर पे नॉट से रिलेटेड कर सकते हैं ओके सो अब आ, जो नॉट नोट इन्वेरियंट, इन्वेरियंट जिसमें मैं इंटरेस्टेड था या जो मैंने पीएचडी अपने स्टडी के दौरान मैंने स्टडी किया मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ वो बेसिकली उसके उससे पहले हमें आ, एक और मैथमटिशन है करड रास्टर उस का एक थ्योरम है उसका थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा आ, मास्टर आ, ये भी नाइनटीन ट्वेंटी जी की ही बात है आ, उसने बेसिकली नॉट थ्योरी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम प्रूव किया और वो ये थ्योरम ये था कि कोई से भी दो नॉट्स को अगर हमने चेक करना है कि वो केवलेंट हैं या नहीं तो हमने कुछ मूव्स करनी पड़ेंगी आ, उन नॉट्स के के बीच में और वो तीन तरह की मूव्स होंगे ठीक है और अगर उन तीन तरह की मूव से एक नॉट्स को डिफॉर्म करके हम दूसरी नॉट तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो जो नॉट हैं वो एवलेंट नॉट होंगी वो जो तीन मूव्स हैं उन्हें हम रॉडम मास्टर मूव्स कहते हैं जो कि मैंने इधर ड्रा की हुई हैं फॉर एग्जांपल किसी भी नॉट डायग्राम के अंदर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है बीच में कोई इस तरह का लूप सी आ जाती है तो मैं इसको सीधा कर सकता हूँ ठीक है इसको हम आ, इसको डिस आ, ऐसे मैं यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कोई नॉट है और उसका कोई ये वाला हिस्सा बीच में आ गया है आ, स्पेस के अंदर तो इस हिस्से को मैं सीधा कर सकता हूँ इससे ओवरऑल क्रॉसिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हम इसको सीधा करके वापस इस इस फॉर्म में ले आएंगे ये सिंपल्स में बाद में डिस्क्राइब करता हूँ फिर दूसरी ऑप्शन ये दूसरी मूव ये हो सकती है ये इसे अब फर्स्ट राइडम ऐसे मूव कह दें ये सेकंड कह दें डजेंट मैटर कि किसको फर्स्ट कहना है किसको सेकंड। तो इस केस में अगर ये ऊपर से ही आ, कोई स्ट्रिंग आ रहा है और ये नीचे से गुजर रहा है तो इस केस में भी हम इन दोनों को सीधा कर सकते हैं उससे भी ओवरऑल क्रॉसिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा ये बिल्कुल सीधी हो जाएंगे तो ये एक और सेकेंड रैसम मूवस है जो थर्ड राइडर राइडोमासम मूव है इसको हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जब मैंने ब्रेड रिलेशन डिफाइन किया था जिसमें मैंने कहा था सिग्मा वन सिग्मा टू और सिग्मा वन जो है वो इक्वल है सिग्मा टू सिग्मा वन और सिग्मा टू के तो वहाँ से हमें एक तीसरी मूव मिल जाती है रैडोमैशम uh, मूव right तो राइडमसन ने यह कहा था कि अगर डिफॉर्मेशन करते करते इन तीन मूव्स को यूज़ करते हुए अगर हम एक मूव से दूसरे एक नॉट से दूसरी नॉट डायग्राम तक पहुँच जाएं, तो वो फिर नॉट्स एंड दो वो एक इवेंट होंगे वो किसी एक ही नॉट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी तो ये उसने एक एल्गोरिदम थ्योरम की फॉर्म में उसने उसको प्रूव कर दिया ठीक है अब बहुत सारे जो नॉट इनवेरिएंट्स बाद में स्टडी किए गए उनको इस तरीके से स्टडी किया गया कि वो मास्टर uh, मूव्स को के साथ कंपेटेबल रहें ठीक है uh, क्योंकि अगर कोई इन्वेरियंट हमने बना लिया लेकिन वो राइडर मास्टर मूव्स के साथ कंपेटेबल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है ठीक है तो इसके लिए फिर मैथमटिशन्स ने नॉट कलरिंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और नॉट कलरिंग के लिए फिर पहले नॉट डायग्राम बना लें और फिर आर्क डिफाइन कर लेते हैं आर्क वह यही है कि डायग्राम के अंदर वन अंडर पास से नेक्स्ट अंडर पास का जो पार्ट होगा नॉट का उसे हम एक आर्क कहेंगे जैसे कि अगर हम ए आर्क ए देखें तो ये यहाँ अंडर पास शुरू हो रहा है और ये अंडर पास यहाँ तक आ रहा है ठीक है तो इस पार्ट को मैं हम एक आर्क कहेंगे ए और इधर से इधर तक जो आर्क होगी वो बी होगी और इधर से इधर तक जो आर्क होगी वो सी होगी और इनको हम तीन तीन कलर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब कलर्स जो है वो तो हमें ज़्यादा भी चाहिए होंगे तो इसलिए फिर मैथमेटिक्स में कलर्स की बजाय हम अल्फाबेट्स यूज़ कर देते हैं या नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम जीरो कह दें इसको वन कह दें इसको टू कह सकते हैं ठीक है जब अल्फाबेट्स भी हमारे कम पड़ जाएंगे तो फिर हम इन्फिनिट केस में जो नंबर्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं और तो डिस्टिंगशन भी है कि इट yes. uh, yes. yes. right? yes. तो जाएगी एक नीचे होगी है ना? Exactly. आर्क की डेफिनेशन ही यही है कि ये आ, वो पार्ट होगा नॉट नौ, का जो वन अंडरपास से शुरू होकर नेक्स्ट अंडरपास तक जाएगा ठीक है yes, तो जब हम आ, इसके अंदर स्पेस के अंदर इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे और कर सकते हैं हम किसी न किसी तरीके से जो यहाँ से मैं यहाँ तक गया हूँ ये बेसिकली इक्विवेलेंट है तो जो मूव की गई है उसके अंदर वो इन्हीं में से कोई एक मूव की हुई है जिससे इस नॉट से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ इससे यहाँ पे पहुँच गया हूँ इससे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है इसको इजीली सीधा किया जा सकता है उससे हमारे पास ये बन जाएगा और इससे हमारे पास ये बन जाएगा ठीक है तो हम इक्विवेलेंट नॉट्स बनाते चले जाएंगे तो अब ये है कि अगर हम नॉट्स की आर्क्स बना लेते हैं तो ये जो नॉट कलरिंग है इनका जो कलर्स हैं या जो सिंबल्स uh, हमने से uh, रिप्रेजेंट कर दिए हैं इनका अगर मैं कोई सेट बना लूँ उस सेट का उस सेट का कोई स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में आ, ये जो सेट है ये मैंने थ्री चूँकि नॉट विथ थ्री क्रॉसिंग थी तो हमारे पास ए बी सी एक सेट बन गया है अब क्या ये जो सेट है ये कोई स्ट्रक्चर बनाता है इट्स अब इसके लिए फिर मुझे रिलेशन बनाने पड़ेंगे आ, कि एक नोड से जब दूसरी नोड की तरफ मैं जाऊंगा ना एक नोड क्रॉसिंग से या एक आग से दूसरी आग की तरफ जाएंगे तो तीसरी आर्क आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ए आर्क है जब ये बी से गुज़रती है तो सी पे हम पहुंच जाते हैं ठीक है और सी नार सी आर्ग जो है जब यहाँ बी सॉ ए से गुजरेगी सी जब ए के अंडर गुजरेगी तो बी आएगा और इसी तरीके से बी आग जब सी के अंडर से गुजरेगी तो हमारे पास ए आएगा तो ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशन बन रहा है ठीक है और वो रिलेशन हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं और ये जो रिलेशन है कोई से भी दो आग्स के बीच में लेना है तो फिर ये रिलेशन बी इट्स एक बाइनरी रिलेशन बन जाएगा या बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा तो इसके लिए फिर हम इन जनरल कोई आर्क ले लेते हैं कि ये कोई एक आर्क है जो इधर से आ रही है लेफ्ट साइड से राइट right साइड की तरफ आ रही है और कोई दूसरी आर्क है जो इस तरफ से आ रही है ठीक है तो जो नई आर्क आएगी उसको हम कोर्स वो कोई नया अल्फ़ाबेट होगा या कोई नया नंबर होगा या सिंबल होगा उसको हम स्टार वाई कह देते हैं इट कैन बी एनी तो ये एक रिलेशन बन बन जाएगा अब इसमें फिर हमारे पास मजीद पॉसिबिलिटी भी आ सकती है कि इस केस में एक्स ऊपर था और वाई को हमने इस तरफ से लेके आए अब ये कहेंगे अगर एक्स इस तरफ से आ रहा हो और वाई इधर से आ रहा हो तो फिर ये उससे थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना पड़ेगा तो इस केस में ये जो रिलेशन हमने एक्स स्टार वाई कहा है तो इस केस में मुझे एक्स स्टार इन्वर्स वाई करना पड़ेगा और इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है कि एक्स इधर से इधर आ रहा हो और वाई को हम यहाँ से शुरू करें और इस तरफ आएंगे जैसे कि हमने मुख्तफ़ डायरेक्शन में देखा कि अगर हम कोई ओरिएंटेशन फिक्स कर लें कि किस तरफ़ से हमने चलना है तो ये हमारे केस इस केस में हमारे पास ये आ जाएगा तो ये जो सेट है इस केस में अब ए बी सी के केस में हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है वो जो हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किया और इससे हम एक टेबल बना सकते हैं ए बी और सी का ए बी और सी का और ये इसके बीच में पहले हम स्टार के साथ बना लेते हैं या स्टार इनवर्स के साथ बना लेते हैं तो इस केस में ए स्टार ए जो है उसका मतलब ये होगा आ, ए स्टार ए का मतलब ये होगा कि आप इस तरीके से अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करें तो ए स्टार ए, ए के ही इक्वल आएगा क्योंकि राइडर मास्टर मूव ये कहती है कि इसको मैं सीधा करके ए बना सकता हूँ और अगर हम ए स्टार बी करें आ, अगर हम इस नॉट को फॉलो करते हुए तो जो ए स्टार बी होगा और उन रिलेशंस को यूज़ करते हुए वो ए स्टार बी सी के इक्वल आएगा और ए स्टार बी सी जो है वो सी के इक्वल आएगा इसी तरीके से बी स्टार ए जो है वो सी के इक्वल आएगा बी स्टार बी बी के इक्वल और बी स्टार सी ए के इक्वल आएगा सी स्टार ए को हम आ, मेरे ख्याल में ए रखना पड़ेगा सो सी स्टार ए शायद ए आएगा सी स्टार सी सी आएगा और सी स्टार बी जो है वो uh, नहीं बी नहीं आएगा सो आई थिंक सी स्टार बी जो है वो शायद ए आएगा क्योंकि वो सेम नहीं आएगा इस केस में जैसे हमने कहा और सी स्टार ए जो है वो बी आएगा तो ये हमारे पास एक एक टेबल बन जाएगा और इससे इस टेबल इस की वजह से ये जो सेट है अंडर दिस ऑपरेशन एक एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये जो ये स्ट्रक्चर है ये ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं होगा एक अल्जब्रायक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ये बाइनरी ऑपरेशन होगा और ये जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है ये नॉन कम्यूटेटिव होगा हम चेक कर सकते हैं उन रिलेशन से और आ, इंटरेस्टिंगली ये नॉन एसोसिएटिव स्ट्रक्चर होगा ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा ग्रुप थ्योरी के अंदर हमारे पास एसोसिएटिविटी तो हमेशा रहती है लेकिन यहाँ पे हमें एसोसिएटिविटी को भी छोड़ना पड़ेगा और हमारे पास नॉन एसोसिएटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये जो नॉन एसोसिएटिव स्ट्रक्चर है ये आ, आ, फिर मैथमटिशनज़ ने इसको स्टडी करना शुरू कर दिया और इस स्ट्रक्चर का को मुस्तल नाम देना शुरू कर दिए और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्वांडल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ सम मैथमेटिशियन लाइक डेविड जॉयस जिसने आई थिंक नाइनटीन एटीज़ में कोई पीएचडी का थीसिस था उसने इस पे स्टडी किया कि नॉट इन वेरियंट हम इस तरीके से बना सकते हैं और एक स्ट्रक्चर नॉट्स के साथ एसोसिएट किया जा सकता है और उस स्ट्रक्चर की बेस पे हम बता सकते हैं कि दो नाट्स एक्ट होंगे या नहीं तो ये जो एक्स uh, हमने फाइंड किया है uh, जो कि थ्री नाट थ्री क्रॉसिंग वाली जो नॉट डायग्राम है या इवन ज़्यादा क्रॉसिंग वाली भी हो सकती है आ, उसको हमने कैलकुलेट करना ठीक है सो so, दिस इज़ द क्वांडल ऑफ ए नॉट विथ थ्री क्रॉसिंग और ये फर्ज करें हमारे पास एक्स की इक्वल आ गया है और इसी तरीके से इन में से सारी नाट्स किसी एक नॉट का हम क्वार्डल कैलकुलेट करेंगे एक नॉट प्रोसेस से या मे बी में भी कोई एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की नॉट हो स्पेस के अंदर और ये उसकी डायग्राम हो इसे हम लेट्स के कह देते हैं कोई से भी इन जनरल नॉट है और उसका हम इसी तरीके से पहले राइडम एस मूव से सिम्पलीफाई करके किसी तरह उस फॉर्म में ले आएंगे और फिर आर्क्स डिफाइन करने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा क्वान्डल स्ट्रक्चर वो कैलकुलेट करेंगे लेट्स वो कोई एक्स प्राइम आ जाता है अब आ, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बेसिकली नॉट से ही आ रहे हैं अलजब्राइक स्ट्रक्चर्स हैं नॉन एसोसिएटिव तो अब बात जो है वो नॉट से निकल के अल्जब्रा के अंदर आ जाएगी अब अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक हुए ठीक है अगर मीन आइसोमॉर्फिक का मतलब आ, जैसे अलजब्राइकोमारे सो इस केस में एक्स के एलिमेंट तो थ्री क्रॉसिंग के केस में ये हैं ए बी और सी ठीक है अब कोई और नॉट डायग्राम है पहले तो हम उसकी आर्क्स को सेपरेट करेंगे थ्रू मूव्स, और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इट मस्ट बी विथ थ्री एलिमेंट्स एटलीस्ट क्योंकि आइसोमॉर्फिक करना है अगर आइसोमॉर्फिक हुआ हो अगर चार एलिमेंट्स हुए तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगी क्योंकि वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते ठीक है तो फिर इस तरीके से आ, अगर ये दोनों सेट क्वान्डल आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए तो फिर हम आ, बता सकते हैं कि वो जो दोनों नहीं है आ, मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारा एक्स ग्रुप आ, सेट है सॉरी तो ये इसके अंदर चूंकि आइडेंटिटी वगैरह नहीं है तो उसको हम ग्रुप नहीं बना नहीं, सकते नहीं, नहीं ये ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर फर्ज़ करें कि इसके अंदर हम आइडेंटिटी और इनवर्स डाल दें उस सूरत में अगर हम फिर ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो क्या फिर ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा सो अब क्वेश्चन यह है कि क्या एक क्वांडल से इसको मैं ऐसे रिफ्रेस कर सकता हूँ कि क्या एक क्वांडल से ग्रुप बन सकता है या नहीं यस वी कैन डू बट उसके लिए फिर हमें उस स्ट्रक्चर के ऑटोमॉर्फिजम्स डिफाइन करने पड़ेंगे उन स्ट्रक्चर की फर्दर सिमेट्रीज डिफाइन करनी पड़ेंगी। कि एक सेट है एक्स है और इसकी जितनी भी पॉसिबल क्वॉन्डल ऑटोमॉर्फिजम्स यस वो अगर हम बना लें तो वो हर ऑटोमारफिजम जो है वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ठीक है तो हर क्वांडल से हम एक ग्रुप बना सकते हैं और हर ग्रुप से भी एक क्वांडल बना सकते हैं तो अब हमारे पास टू टू पैरल यूनिवर्सिस आ जाएंगे एक तरफ ग्रुप्स हैं और दूसरी तरफ क्वांडल्स होंगे ग्रुप का यूनिवर्स जो है वो वो उसमें आपको कम्यूनिटिविटी भी मिल जाएगी और एसोसिएटिविटी तो लाजमी मिलेगी लेकिन जो क्वांडल के स्ट्रक्चर्स हैं ये नॉन एसोसिएटिव होंगे ठीक है और लेकिन इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाया जा सकता है जो, जो जैसे आप चार So, हर ग्रुप से एक क्वांडल बनाया जा सकता है और हर क्वांडल से भी एक ग्रुप बनाया जा सकता है बट एवरी क्वांडल इज नॉट ए ग्रुप और आ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल इस केस में ये जो ये जो हमें केस बनेगा अगर हम इसका फर्दर क्वांडल स्ट्रक्चर फाइंड करना चाहें तो Uh, ये बेसिकली ए बी सी को पहले डिफाइन करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में जाना पड़ेगा तो पता चलेगा ये बेसिकली एक, एक कोई सबसेट होगा एस uh, थ्री uh, के अंदर समिट्रिक ग्रुप विथ थ्री एलिमेंट्स के अंदर और uh, इसके अंदर ये जो ऑपरेशन होगा ए स्टार बी वो बेसिकली कॉन्जुकेशन होगा ए बी ए इनवर्स ठीक है और इसका जो इनवर्स है वो भी मे बी थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट वे में होगा तो ये एक पूरी थ्योरी बन जाएगी क्वांडल थ्योरी जिस तरह हमारे पास ग्रुप थ्योरी है वहाँ पे। तो ये आ, कुछ चीज़ें हैं जो हम जिससे इनको स्टडी कर सकते हैं और ये मैंने अपने पी एच में इस तरह के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था नोट से रिलेटेड तो दिस इज द आई थिंक हमने सारी एक्टिविटीज़ भी कर ली आई थिंक दिस इज़ दी एंड Yes. आपकी गुफ्तु से मुझे ये मिला है कि उसमें क्लोजर हो जाता है ऑल mm ब्रेड्स -hmm. का है ना बिकॉज यू कैन नॉट में ऐसा हो सकता है ना इवन ब्रेड में भी टेक्निकली नहीं हो सकता दोनों आपको ऊपर भी इस डिस्क के साथ अटैच करने होंगे और नीचे भी डिस्क के साथ अटैच करेंगे जैसे कि के इस केस में चीक, हमने देखा था इवन उस केस में भी पॉसिबल नहीं है लेकिन चीक. यह है कि अगर हम ब्रेड से नॉट बनाएंगे तो फिर उसके लिए क्लोयर हम अलाउ कर सकते हैं ठीक थैंक यू ठीक है मतलब यह तो हम दो आ, मतलब थ्रेड्स लेते हैं जिनकी हम सिंपल ब्रेड बनाते हैं ना मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा था बी2 अब जैसे हमारे पास एक बहुत मशहूर एक ट्रिक है जिसको डराक बेल्ट ट्रिक कहते हैं उसके अंदर भी जो है वो जिसको डिराक ने जो है वो स्पिनर्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको डिफ़ाइन करने के लिए उसने वो एग्ज़ाम्पल दी थी तो उस मतलब उसको भी स्टडी किया जा सकता है इसके थ्रू कि it could it could be possible क्योंकि जैसे हमने देखा है कि जो ही हम मिलाते हैं दो इस तरह के मतलब इनवर्सस को तो वो आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है exactly. और उस सूरत में भी हमारे पास यही ट्रिक है कि जो ही हम वो उसको घुमाते हैं तो हमारे पास जो 2 360 रोटेशंस हैं वो जीरो पे आ जाती exactly. है ठीक exactly. है कुछ तो हमने इधर भी देखा था शायद जी तो इनका हाँ। मतलब आज तक कोई फिजिक्स के अंदर कोई اطلاق हुआ है या सो आई थिंक सो मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ कि जो फिजिक्स के अंदर एक इक्वेशन एक एक है क्वांटम यंग बैक्स्टर इक्वेशन आई डोंट नो थोड़ा सा एडवांस लेवल की है तो उस इक्वेशन की बेस पे कुछ लोगों को नोबल प्राइज़ भी मिला तो वहाँ पे ए, उसके सॉल्यूशंस जनरल नहीं पता हमारे पास तो कुछ लोगों ने उसके डिस्क्रीट सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश की है तो ये जो डिस्क्रीट सॉल्यूशंस हैं बेसिकली क्वांटल्स बनते हैं बेसिकली तो एक तो आंसर इसमें ये हो सकता है इसके अलावा जो थोरेटिकल फिज़िक्स में समटाइम्स हॉफ अल्जबराज यूज़ होते हैं और हॉफ अलजबरा की क्लासिफिकेशन के लिए फिर आपको ये नॉन एसोसिएटिव जबरा स्ट्रक्चर्स रैक्स और क्वाडल्स की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ लोगों ने वहाँ पे भी इसमें काम किया हुआ है अब चूंकि अब हम ऑफकोर्स एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी कुछ सात मिनट की एक वीडियो है वो मैं मैं चाहूँगा कि हम उसको भी देख लें और उसमें एक तो यह है कि जितनी भी ये जो नाट्स हमने बनाई हैं ये प्राइम नाट्स हमने बनाई हैं ये कंपोजिट नाट्स नहीं है सो सर क्वेश्चन ये है कि क्या दो नोट्स कोई सी दो डिफरेंट नाट्स हों उनसे हम एक नई नाट बना सकते हैं सो यस ये भी किया जा सकता है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नाट है एक ये नाट डायग्राम है मैं चाहूँगा कि इन दोनों नाट से हैं तो ये सेम ही इसके अंदर भी थ्री क्रॉसिंग है इसके अंदर भी थ्री क्रॉसिंग है तो क्या इन दोनों से मैं एक नई नॉट बना सकता हूँ यस आई कैन डू सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ से इसको थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा और इस पाथ इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूँ इसको इसके साथ अटैच कर तो अब ये जो नॉट है इसके अंदर सिक्स क्रॉसिंग वाली नॉट बन जाएगी मगर यहाँ कलर आप सो सो कलर यहाँ अभी तो मैटर नहीं करते अभी तो कलर हम सारे सेम भी कर सकते हैं बट स्पेस के अंदर हम कोई सी भी दो नॉट ले लें और उसके कुछ हिस्से को आपस में दो हिस्सों को आपस में जोड़ दें तो उसे हम नॉट बना सकते हैं कलरिंग तो बाद में जब हमारे पास सिक्स क्रॉसिंग वाली नॉट आ जाएगी तो फिर उस पर क्वेश्चन होगा कि अब हमने बताना है कि ये जो सिक्स क्रॉसिंग वाली नॉट है ये किसके के इक्विवेलेंट है यानी फिर उसके बाद हम दोबारा से उसकी कलरिंग रीकलरिंग कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर एक चीज जो हमारे पास होती है कि जैसे हम आ, किसी भी सेट को डीफॉर्म करते हैं तो उसकी टोपोलॉजी को हम मद्देनजर रखते हैं जी तो इस सूरत में सो so तो ये तो अभी तो टोपोलॉजी थोड़ी सी हमें ब्रेक करनी पड़ेगी अच्छा हां सो तो बट जस्ट एक मैथमेटिकल मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि क्या दो नॉट्स को कंबाइन करके नया नई नॉट बना सकते हैं क्या नॉट ऑपरेशन किए जा सकते हैं जैसे कि हमने ब्रेड ब्रेड ऑपरेशन किए हैं तो इस तरीके से किए जा सकते हैं कोई से भी दो नॉट्स को कंबाइन करके हम एक नई नॉट बना सकते हैं तो जितनी भी पॉसिबल नॉट्स हैं थ्री डायमेंशनस के अंदर वो उनका सेट भी क्लोज ही होगा और उसके अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो जैसे ही मैंने अभी हमने डिफाइन किया लेकिन इससे ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा फिर मैस और क्रिएट होता चला जाएगा फिर नॉट्स को स्टडी करना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसलिए अभी तक जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई थी वो आ, इन नॉट्स पे थी जिनके अंदर जो बेसिकली कंपोजिट नॉट्स नहीं है और नॉट थ्योरी की जो डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन हुई है उसका फोकस भी प्राइम नॉट्स के ऊपर ही था प्राइम नॉट्स वो थी जो 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 फर्दर बेसिक नॉट्स से न बन रही ठीक है।, है जैसे कि थ्री क्रॉसिंग वाली जो नॉट है ये एक प्राइम नॉट है ठीक है आ, आ, फोर क्रॉसिंग वाली नॉट भी हो सकती है वो, क्योंकि उसको हम फर्दर दो नॉट्स में डिकम्पोज नहीं कर सकते प्राइम उस सेंस में नहीं है जैसे प्राइम नंबर की सेंस में होता है सो फॉर एग्जांपल ये जो नॉट है ये प्राइम नॉट नहीं है ये कंपोजिट नॉट है बेसिकली इट इज़ ए नॉट विद सिक्स क्रॉसिंग बट दिस इज़ नॉट ए प्राइम नॉट क्योंकि इट इज़ इसको हमने दो ट्रेफॉल नॉट से बनाया है यस डायरेक्ट प्रोडक्ट या कंपोजिशन जो भी है तो ये एक इंटरेस्टिंग uh, uh, फिर टॉपिक है और uh, जो प्राइम नॉट्स की क्लासिफिकेशन है ये तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि सो सो वन क्रॉसिंग की कोई नॉट नहीं है जीरो क्रॉसिंग की एक नॉट है जिसे हम बेसिकली ऑन नॉट कहते हैं ठीक है और वन क्रॉसिंग की नॉट आप नहीं बना सकते ठीक है तो लेकिन उसके बाद थ्री क्रॉसिंग की नॉट बन सकती है जो उसके हमने यहाँ बनाई है और इवन इसमें भी इसके मिरर इमेजेस भी हैं अगर हम इसको मिरर में लेके आएंगे तो वो जो नॉट मिरर में होगी वो इससे डिफरेंट होगी ठीक है रिफ्लेक्शन में फिर इससे मैं चाहूँगा कि फोर क्रॉसिंग वाली नॉट है तो मैं मुझे एक दफ़ा फिर ट्विस्ट देना पड़ेगा ये फोर क्रॉसिंग वाली नॉट बन जाएगी और फाइव वाली बन जाएगी जो हमने हानिया ने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक्टिविटी की थी उसमें मैंने तीन दफ़ा ट्विस्ट की थी तो हमारे पास ये वाली नॉट बन गई अगर मैं उसमें पांच दफ़ा ट्विस्ट करूंगा और उसके बाद उसी तरह उसको काटूंगा तो फिर जो नॉट बनेगी उसके अंदर आई थिंक फाइव क्रॉसिंग्स आएंगी जी ये

कि पहले हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी और फिर पता चलेगा कि कौन सा क्वॉन्डल किसके साथ आइसोमॉर्फिक है तो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ इस लिहाज से क्योंकि uh, कौन सा क्वाडल किसके साथ आइसोमॉर्फिक है ये इट्स एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है स्मॉल केसेज में तो हम क्वाडल्स की क्लासीफिकेशन कर लेंगे लेकिन जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता चला जाएगा फिर हमें हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा चेक करना कि दो क्वाडल्स कब आइसोमॉर्फिक होंगे और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सो so, इट्स सेल्फ आई थिंक ये भी सम हाउ थोड़ा सा अनडिसाइडेबल भी हो जाएगा सो so, सोल्यूशन थोड़ा सा मिला भी लेकिन अल्टीमेटली फिर हम किसी जगह पे स्टाक हो गए तो इट्स सेल्फ इट ये एक और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ जाएगा तो इस आ, प्राइम नोट्स की वीडियो के अंदर थोड़ी सी नोट थ्यूरी की हिस्ट्री भी है और लॉर्ड कैलवन ने नाइनटीन में आ, नॉट्स को स्टडी किया था ना नाइनटीन एटीज इट्स लाइक बाई द एंड ऑफ नाइनटीन हंड्रेड लॉर्ड कैलवन जो है yeah. तो उसमें उसने uh, उस, उसका ये uh, उसकी शुरू में थ्योरी ये थी कि जो एटम्स हैं ये बेसिकली कुछ काइंड ऑफ नॉट्स हैं ईथर के अंदर और उससे उसने कोई एटम्स का टेबल बनाने की कोशिश की थी जो बाद में फिर ये आइडिया डिस्कार्ड करना पड़ा क्योंकि फिर इतर भी नहीं था और ऐसा पॉसिबल भी नहीं था और उसके बाद फिर वैसे ही हमारे पास एक प्री ऑडक्ट टेबल बन गया तो उस वक्त तो नॉट थ्यूरी समाव ऐसा लग रहा था कि ये फिर ज़्यादा आगे नहीं जाएगी लेकिन अब आ, आ, एडवांस फिज़िक्स के अंदर स्ट्रिंग थ्यूरी की वजह से ये सारी चीज़ें फिर दोबारा से रिवाइव भी हो रही हैं और बहुत सारे लोग जैसे आई थिंक एडविटन ने क्वांटम नॉट थ्यूरी के हवाले से कुछ काम किया जिस जो इसकी वजह से ये दोबारा से ये टॉपिक्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग होंगे सो Uh, ye the beauty about knot theory is it's sort of a special subfield of mathematics where you don't have to know much mathematics. You don't need to know a lot about numbers. You don't need to know about differential stuff, no integration, um, no matrices. It's a branch of mathematics can pick up from scratch all by itself and actually come up with interesting results and understand what's going on. People then often ask, what about knots? Is there something practical? I cannot think of something that's really practical in the terms of yeah, shoelaces or so when they still believed that our universe is filled with some ether Ether was that medium that would transport, you know, light waves and so on. And then I think it was Lord Kelvin and others that believed that the atoms are just different knots. So the simplest possible atom, say hydrogen, may be just the unknot. And then maybe helium is the next more complicated knot. And so that's the trefoil knot. And then you go down the periodic system. And, and of course, it was a beautiful and tempting way of bringing order into the periodic table, except it was just plain wrong. I mean pretty soon people found out there is no ether and of course also people found that actually atoms break apart into, into particles in some way there's more structure to it and they're clearly not knots they're more, more like little planetary system and so that was the end of that on the other hand knots actually now play a role in advanced physics in advanced chemistry and in advanced biology you know, in physics, you know, even with string theory and, and similar things, even in statistical mechanics, that suddenly they use some of the things they could prove as knots that seem to apply there. In uh, chemistry, they're now building molecules that are deliberately knotted in complicated ways. There are also people working with nanoparticles that seem to find materials that have interesting properties when you know, the elementary elements uh, at the small scale are knotted. And finally, in biology, you probably have millions of knots in your body. It turns out many bacteria, but even in your cell, some of the DNA strands are actually closed loops, and some of them are actually happen to be knotted. If you have sort of a closed DNA strand that may be knotted, and you can see in this case there may be a particular group exposed and it can undergo some chemical interaction with other molecules. But then if this thing kind of folds up in a different way, that part may no longer be available, but something else may pop out and then that can interact. So as part of the regulation of what goes on inside a cell, some of these strands may recoil and, and change their shape. And it turns out they even can change their knottedness. Because there actually are some enzymes and these enzymes they can essentially come along and snip a strand and essentially let another strand pass through and then reconnect it. Something of course mathematicians would never do because that that's Totally against what you're allowed to do in knot theory. So that's where knots play a role in very advanced fields. I have three challenges for you here. Typically, the kind of exercises you want to do when you get started with knot theory is you look at something that you might draw arbitrarily, you know, having over and under crossings in some way, and then the question is, what knot is this? And now you may want to go and take your Pipe cleaners or wires, and try to carefully lay out this particular knot with over and under crossings carefully observed. Fuse the ends together. And now the question is okay, which knot is it? If I'm just counting here, it's going to be one, two, three, four crossings. So you think, oh, it must be the four crossing knot, it must be the figure eight knot. True or not true? Let's take this loop that sort of hangs down and just kind of flip it up, right? So now somehow this thing goes up there, makes a loop, and comes back down and then goes into this knot. This loop up there can be untwisted and it goes away. But then we're just left with this part, with this closing back onto itself. And we know what that is that's a trefoil. So here you see an example where you have something that looks slightly more complicated. It's relatively easy to unravel this and figure out, okay, this is just a trefoil knot. Well, things can get worse. What knot is this? Now, yeah, you can do a lot of mental exercise. I think I could take this whole loop and kind of flip it over. Ah, and then I can actually pull it through here. And similarly, I can take this loop here and flip it around the back to the other side. I'm pretty sure that this knot will get simpler when you try to unravel it. I think you should really lay this out try it with some wire or pipe cleaner and figure out what knot it is. Oh, you're making people do a lot of homework. Alright, go on. <laughs> no, more difficult homework. Here is yet another knot. One, two, three, four, five, six. Six crossings, no problem. I mean, I can try to mentally flip these loops around or so and Nothing comes of it, so I'm probably stuck. Now I go back to the knot table that we had before. Can we figure out this six-crossing knot, which one of those three it is? And you may want to do a lot of deforming and you probably will get very frustrated because you may not be able to find anything. And he said, wait a minute, don't... is there a fourth different kind of knot? Not really. Mathematicians call this a composite knot. It's really two trefoil knots stuck together. You can see from here to there, it's clearly a trefoil knot. And we can take this loop and kind of flip it down, and then we'd have another trefoil knot, and it's coupled to this one with these two links. So, anytime you can take one complicated knot and cut it open somewhere so two strands stick out, another complicated knot, cut it open somewhere, two strands stick out, you put them together, you essentially get a compound knot and that's not its own knot it's that like, doesn't fit into a table of. well equipment. it would make things much much more complicated so this allows to simplify things now all of the knots that you see in here are called prime knots they cannot possibly be reduced to something simpler they're really on their own as complicated as they get but there are many many complicated knots that can be. Taken apart, like a complicated number can be taken apart into prime factors. But once you have a prime factor, you can no further simplify it. So all the knot table does is give you only prime knots that are not themselves compound. But now you can take 7, 3. And take, you know, 6-3, snip it open here, snip it open there, stick them together, and you make something that has on the order of seven plus six crossings, but it's not a 13-crossing knot. It's it's this compound knot. You kept that a secret? I feel like you've dropped a bomb on me. <laughs> <laughs> so if you didn't do that, you know, then the knot table would become totally unwieldy. Okay? Now it would explode even, even more quickly and even faster. You actually are on the other side. But then you have to go once through more. Through the roller coaster until you come back to where you started. So it's just one long string, you know, essentially tied together. I think we should explore a few solutions. Grammarly suggestions catch when your tone might undermine your message, and it offers suggestions to make you sound more comfortable.